हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में हालांकि कई विकास कार्य प्रगति पर हैं, लेकिन हाल ही में एक विकास कार्य को लेकर जिला का लोक निर्माण विभाग और उसकी कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल विभाग द्वारा नाबार्ड योजना के तहत एक सड़क के निर्माण के लिए टेंडर कॉल किए गए थे, जिसमें कई ठेकेदारों ने आवेदन किया था, लेकिन जब स्टैंडर्ड की भीड़ खुली तो हंगामा मच गया। हुआ यूं कि इस टेंडर में आवेदन करने वाले दो बड़े ठेकेदार सुभाष और बलवीर ने विभाग पर झूठे दस्तावेज देने वाले दो ठेकेदारों को इस टेंडर के लिए चयनित करने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि चयनित ठेकेदार में से एक ने स्वयं को और अपने साइट इंजीनियर के दस्तावेज पर खुद ही साइन कर दिए हैं, जबकि एक ठेकेदार के दस्तावेज के मुताबिक साइट इंजीनियर की पिछले वर्ष डिग्री संपन्न हुई है, लेकिन बावजूद इसके साइट इंजीनियर के ठेकेदार के पास पिछले 5 वर्षों से कार्य करने के सर्टिफिकेट दिखाए गए हैं। आरोप लगाने वाले ठेकेदारों के मुताबिक कागजों में संबंधित जांच करवाने वाली टेक्निकल बिड तो विभाग ने गड़बड़ घोटाले के साथ खोली है, मगर इसके बाद खोले जाने वाली फाइनेंशियल बिड भी समय से पूर्व खोल दी गई। आपको बता दें कि फाइनेंशियल बिड टेक्निकल बिड खुलने में कम से कम 5 दिन का समय का अंतर होता है। ये 5 दिन किसी भी व्यक्ति को टेक्निकल बिड पर आपत्ति व्यक्त करने के लिए दिए जाते हैं। आरोप है कि विभाग ने इन सभी नियमों को दरकिनार करते हुए टेंडर के लिए ठेकेदार का चयन किया है। तारा शिमला से मेरी रजिस्ट्रेशन है और मैं 40 साल से ठेकेदारी कर रहा हूँ। मैंने एक बडहर सासन लमलेड़ा पेखू वेला ऊपर नवाड़ के अधीन टेंडर लगे, वो टेंडर डाले थे मैंने और मेरे बेटे ने, दोनों ने एक टेंडर बेटे के नाम से, दो टेंडर मैं अपने नाम। विभाग ने हमारे कागज ठीक होने के बावजूद भी हमारे को बाहर कर दिया, और जिनके कागज ठीक नहीं है, डुप्लीकेसी है, और जो एफिडेविट है वो एक ही बंदा साइन करके लगवा रहा है 400 पीसी में, हैं हेरा फेरी करके टेंडर अपने की कोशिश कर रहा, और विभाग उसकी मदद कर रहा, उसको सेलेक्ट कर रहा। तो सर आप ये कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि जो कागजात हैं जो उनको सेलेक्ट किया वो फर्जी हैं, फर्जी किस बेस पर आप बोल रहे हैं फर्जी हैं? फर्जी है जो तो सामने दिख रहा है जी, उसके कागज हमने कुड़ा कर दी लगाए हैं जी, हमारे पास कागज हैं जी, ये उनके ही कागज है उसी ठेकेदारों के जिन्होंने जिनको सेलेक्ट किया। किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया इसमें? इसमें ऐसे है जी, ये अमरीकन ने ही एक अपना एफिडेविट साइन किया है, और उसी ने अपने इंजीनियर का साइन किया है, उसी ने दूसरे इंजीनियर का साइन किया है एफिडेविट। ये मुझे पता नहीं कि नोटरी ने कैसे इसको अटेस्टेड कर दिया, अटेस्टेड नहीं होता है नहीं। ऐसे ही तिलकराज सैनी है, इसने एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है नहीं, इसका क्या नाम है इसका, गुरदीप सिंह, गुरबख्श सिंह है नहीं, और ये लिख रहा है कि मैं 5 साल से इसके पास जॉब कर रहा हूँ सिविल इंजीनियर, एफिडेविट दे रहा कि सिविल इंजीनियर मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, और इसकी 2020 में इसकी अप्रैल 2020 में इसकी डिग्री कंप्लीट हुई है, ये 5 साल इसके हुई है नहीं, ये डुप्लीकेसी नहीं। ऐसे ही ये हरपाल सिंह है, एक खुद कॉन्ट्रैक्टर है अपने, उसके नाम पे इसी विभाग में काम चल रहे हैं, PWD में काम चल रहा है, वो अपने काम देखता है, वो एफिडेविट उसके भी जाली साइन करवा के इन्होंने लगाए। तो ये बताएं कि अभी ये जो कागजात हुए हैं तो इसमें विभाग का किस तरीके का रोल है? विभाग भ्रष्टाचार भ्रष्ट है, जो यहाँ अधिकारी बैठा है वो इतना भ्रष्ट है कि वो सब पैसे के खेल पे काम करता है, जो देता है उसका काम हो जाता है, जो नहीं देता है उसका काम नहीं होता। गंभीर आरोप लगाने के बाद विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद हरकत में आते हुए विभाग के अधिकारी सामने आए, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इन आरोपों को निराधार बताया और टेक्निकल बिड के निष्पक्ष होने के दावे किए। विभाग के अधिकारियों ने हालांकि टेक्निकल बिड में शामिल दस्तावेजों के नहीं पढ़े जाने की बात भी स्वीकारी। विभाग के अधिकारी ने आरोप लगाने वाले ठेकेदारों सहित अन्य ठेकेदारों की दस्तावेज पूरी नहीं होने के कारण चयन न करने की बात भी कही। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेंडर के लिए कुछ ठेकेदार ने अप्लाई किया था, उनमें से एक ठेकेदार ने ये आरोप लगाया है कि जो टेंडर में कहीं ना कहीं विभाग ने गड़बड़ किया और जो उसको बाहर किया गया, लेकिन जो जिसको दो दो फॉर्म रखे गए हैं उसमें भी
गड़बड़ झाला है, फर्म जो कागज है वो सही नहीं है। नहीं, इसमें बिल्कुल जो कॉन्ट्रैक्ट ने आरोप लगाया वो गलत है। जो हमने टेंडर में इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे उन कॉन्ट्रैक्टर्स के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, पूरे उन्होंने अपलोड नहीं किए थे, तो उसकी वजह से वो लोगों कमेटी ने, जो कमेटीज़ की बनती है उस कमेटी ने इनको सारे रिजेक्ट किया गया। ये लोग अकेले नहीं हैं, इनके साथ और लोग भी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, तो उनको सबको ने बाहर निकाला है। जिनके टेंडर पूरे थे, डॉक्यूमेंट पूरे थे, उनको उन्होंने क्वालिफाई किया। प्रक्रिया जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखाया उसमें यह है कि जो साइट इंजीनियर्स हैं या फिर जो ठेकेदार हैं उस पर एक ही बंदे के भी एक फॉर्म साइन है। नहीं, हमें तो डॉक्यूमेंट मांगे ना, हमने उनको वेरिफिकेशन तो नहीं करने की किसने साइन किया किसने नहीं किया, वो उनको डॉक्यूमेंट्स हैं लगे हुए, तो जो हमने डॉक्यूमेंट हमारे रिक्वायरमेंट थी वो पूरे हैं। तो वेरिफिकेशन की जाएगी, पॉसिबिलिटी है? नहीं, इसमें हमारा तो भाई तो जो एवेल्यूएशन कमेटी है उसने कमेटी में जिनको पास किया है और जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है उनको हमने फिल किया। चलिए सर, तो सर एक और चीज़। खैर, इस हंगामे के बाद परिणाम जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि टेंडर में होने वाली प्रक्रिया पर आने वाले कुछ समय में तो जरूर सवालिया निशान लगते रहेंगे।